यूपी के जनपद हापुड़ थाना सिंभावली क्षेत्र में पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पशु चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए गैंग के सरगना सहित 4 अंतर्राज्यीय सातिर पशु चोरों को गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, पशु चोरों के कब्जे से 5 पशु सहित 70,000 रुपए की नकदी व घटनाओं में प्रयुक्त 2 गाड़ी अवैध असलाह भी बरामद किया। पशु चोरों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि थाना सिंभावली क्षेत्र के फत्तापुर व ढहाना गाँव से पशुओं की चोरी किए हैं। पुलिस ने चेकिंग के दौरान सातिर पशु चोरों को डिवाई चौराहे के पास से गिरफ्तार किया। बताया गया कि सातिर पशु चोर रैकी कर गांव के बाहर बंधे पशुओं को चिन्हित कर मौका देखकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने का काम करते थे। बताया जा रहा है कि सातिर पशु चोर यूपी के विभिन्न जनपदों सहित उत्तराखंड राज्य में भी सैकड़ों घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। एसपी दीपक भूकर ने खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 10,000 रुपए देने की घोषणा की और मामले का खुलासा पीसी में किया। ये जनपद की जो एसओजी टीम और थाना सिंभावली पुलिस टीम के द्वारा 4 पशु चोर गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें कि सलमान आसिफ और फुरकान, ये जनपद मेरठ के रहने वाले हैं 3, और सादिक जो है चौथा व्यक्ति जो है वो गाजियाबाद जनपद का रहने वाला है। इसमें जो मेन चोरी का काम करता था ये आसिफ करता था, और उसके बाद सलमान, फुरकान और सादिक इनसे संपर्क करके ये गाड़ी की व्यवस्था करके और इनको पशुओं को विभिन्न विभिन्न जगहों पे ये बेचते थे। और इसकी जांच में ये भी पता लगा है कि कुछ स्लॉटर हाउसेज के भी नाम आए हैं जहाँ पे इनके द्वारा इन पशुओं को बेचा गया है। अभी तक इनके द्वारा जो पूछताछ हुई है उसमें ये बताया गया है कि लगभग इन्होंने 100 के आसपास पशु जो हैं वो चोरी करके बेचे हैं। और इसमें जो बरामदगी की गई है, इसमें सिंभावली से 5 पशु चोरी हुए थे, उन सब की बरामदगी की गई है। उसके साथ ही 2 गाड़ियाँ जिनको ये उन पशुओं को लाने ले जाने में यूज़ करते थे, और उसके अलावा इनके पास से अवैध तमंचे और 70,000 रुपये भी इनसे बरामद हुए। कहाँ कहाँ से चोरियाँ की गई? देखिए, अभी तक जो कनेक्ट हुई है, जो बरामदगी हुई है, वो सिंभावली थाना क्षेत्र की हुई है। बाकी हम जो और जगह से इन्होंने चोरी की होगी वो भी हम चेक करवा रहे हैं। उनका CDR एनालिसिस कर रहे हैं कि रात में कहाँ कहाँ ये एक्टिव रहे हैं, और उसके बेसिस पे आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, अभी तक की पूछताछ में उत्तराखंड और यूपी से इनके द्वारा बताया गया है कि 100 के लगभग इन्होंने पशु चोरी किए हैं, इसलिए हम इनका CDR एनालिसिस करके किस टाइम पे ये एक्टिव रहते थे, कहाँ कहाँ इन्होंने चोरियाँ की हैं वो भी हम दिखवा रहे हैं। तो यही गैंग है या और भी गैंग के सदस्य हैं इसमें? जो लोग इनसे और लिंक्ड होंगे, कौन इनसे खरीदता था, फर्दर किन स्लॉटर हाउसेज में ये बेचते थे, वो हम पूरा चेक करवाएंगे, और जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें भी आगे फर्दर ये कार्रवाई करेंगे।